एंजाइमेटिक डिफॉर्मेशन, कुछ एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा या फिर नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस से वो जो प्रोड्रग है वो मेन ड्रग से टूट जाती है और एज इट इज रिमूव हो जाती है बॉडी से, जो ड्रग है वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है साइट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आइडियली क्या होता है, प्रोड्रग इज कन्वर्टेड टू द ओरिजिनल ड्रग, जो प्रोड्रग है वो ओरिजिनल ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है जैसे जैसे डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचता है, जैसे जैसे वो साइट ऑफ एक्शन पर जहां पर उसे अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना है वहां जैसे ही पहुंचती है तो वो प्रोड्रग कन्वर्ट हो जाती है इनटू एक्टिव ड्रग में। जो भी प्रोड्रग बनाने के लिए हमने उसके साथ केमिकल
So now some developments of products. If the products develop, क्या क्या developments हुए हैं products के थ्रू? To improve patient acceptance को improve करने के लिए भी sometimes products बनानी पड़ती हैं. Like a patient है, for example, drug है Clindamycin. Clindamycin जो होती है, that is bitter in taste. So वो taste उसका bitter taste को improve करने के लिए हमें Clindamycin की product बनानी पड़ती है. ठीक है? Next to reduce gastric irritation. Gastric irritation. Some drugs decompose during their transfer towards GIP. जब GIP के through transfer होती है या GIP से pass on होती है आपकी drugs, तो वो gastric mucosa को disturb करती है, gastric mucosa को irritates करती है. तो उसको improve करने के लिए भी products बनाई जाती है. For example, salicylic acid है. Salicylic acid को जब हम orally लेते हैं, तो वो GIP को इरिटेट करती है. ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड की प्रोडक्ट एस्पिरिन बनाई जाती है. नेक्स्ट, इम्प्रूव केमिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. मीन्स ड्यूरिंग ट्रांसफर या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन की आपकी जो ड्रग है वो डीकम्पोज ना हो, वो स्टेबल रहे. डिक्रीज टॉक्सिसिटी एंड एडवर्स इफेक्ट्स. एडवर्स इफेक्ट्स और टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं. नेक्स्ट, इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी. वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी, मीन्स पोलैरिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की पोलैरिटी को बढ़ाने के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रेडनिसोलोन आपका एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, स्टीरोइडल ड्रग्स है आपकी प्रेडनिसोलोन. जब प्रेडनिसोलोन को एज इट इज दिया जाता है तो वो नॉन पोलर नेचर होती है, बट जब प्रेडनिसोलोन फॉस्फेट बनाते हैं तो वो इजिली वाटर सॉल्युबल होती है, यानी कि पोलर नेचर की बनती है. नेक्स्ट, टू इम्प्रूव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. मेम्ब्रेन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं. नेक्स्ट, फॉर प्रोलॉन्ग एक्टिविटी. ड्रग की एक्टिविटी या फिर हम बोल सकते हैं टू इंक्रीज देयर रिटेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो कुछ टाइम शरीर में बॉडी के अंदर अपनी साइट पर रिटेन रहे, तो रिटेंशन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं. लाइक सम एग्जाम्पल, दे डाइपिप्रोलिन, ये प्रोडक्ट है दैट इज इनएक्टिव. ठीक है, ये मॉइटी लगाई है हमने जिसकी वजह से जो ये ड्रग है ये इनएक्टिव फॉर्म में है. जब ये पेनिट्रेट हो गई थी मन में तो ये बनेगी एपिडेक्टिव. वहाँ पर जो हमने प्रोडक्ट प्रीकर्सर लगाया था वो मॉइटी वो कन्वर्ट हो जाएगी या हाइड्रोलाइज हो जाएगी और हमें मिलेगी एपिनेफ्रिन जो कि एक्टिव ड्रग है. सो नाउ डू एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स.